अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और हमारे साथ रणनीति बताने के लिए केड़िया कमोडिटी से अजय केड़िया मौजूद हैं। अजय, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आपका। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, क्या रणनीति अपनाए वहां पर आज? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर हम सोने चांदी की बात करें तो कल भी मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फेड के जो आउटकम्स आने हैं यहाँ पे हमने देखा कि करंटली तो इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं है, और जून में कैसा रहेगा वो स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा, जिसके चलते कल भी हमने मार्केट को सीमित दायरे में देखा। डॉलर की तेजी, ये सब के चलते मुझे लगता है सोने और चांदी में आज भी साइडवे टू नेगेटिव मूवमेंट है। इसी को देखते हुए गोल्ड में आज 65,700 पे बेचना है, 65,900 के ऊपर का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, 65,400 से 65,100 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें, चांदी भी काफी स्टेबल है, 75,500 के नीचे बेच के चलिए, 75,900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 74,800 से 74,500 तक के लेवल हम देख पाएंगे। बट ध्यान रखिए कोई भी पोजीशन कैरी करने से पहले बचे, बिकॉज रात को जो फेड के अपडेट्स आएंगे जिसके चलते मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर, और फेड पॉलिसी पर अब नजर रहेगी, उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगी सोने चांदी की चाल को लेकर। अजय जी, इसके अलावा क्रूड पर भी सलाह दीजिए, यहाँ पर भी अब तेजी बढ़ते जा रही है, कई महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है कच्चा तेल, अब यहाँ से चाल आप कैसी देख रहे हैं, अभी भी तेजी करने के मौके हैं? बिल्कुल पूजा जी, जैसे कल मैंने कहा भी था कि कच्चे तेल में एक अच्छा खासा मल्टी मंथ ब्रेकआउट आया है, और रिसेंटली अब हम देख रहे हैं कि प्राइजेस डोमेस्टिक मार्केट में भी 6900 के ऊपर जा चुके हैं, जिस ढंग से लगभग हमने देखा जो ड्रोन अटैक्स हुए थे रशियन रिफाइनरी पे, जिसकी वजह से एक स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया, साथ में मॉर्गन स्टैनली ने भी $90 के आउटलुक बता रहे हैं, तो सभी चीज को देखते हुए एक तरफ सप्लाई कंसर्न है, दूसरी तरफ डिमांड इंप्रूवमेंट है, इन दोनों को देखते हुए मुझे लगता है कि जल्द ये 7,000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा। इसी चीज को थोड़ा पुल बैक का वेट किया जा सकता है, 6850 के करीब लेके चलेंगे, 6780 का स्टॉप लॉस रखेंगे, इमीडिएट टारगेट वैसे 6950 है, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि आज के सेशन में 7,000 का लेवल हम रीटेस्ट कर लेंगे। ओके, अब अजय जी बेस मेटल्स पर भी सलाह दीजिए, वहां पर मौके आप कहां देख रहे हैं? बेस मेटल में अच्छी खासी रैली के बाद हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है, कॉपर में भी हमने देखा प्राइजेस 760 के नीचे आ चुका है, बट फ्रेंकली जिस ढंग से चाइना से हम लोग लाइनअप होते हुए दिख रहे हैं ये प्राइजेस को आगे जाके सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सप्लाई कंसर्न भी बना हुआ है। हाँ, डॉलर की तेजी की वजह से हमने कॉपर और जिंक दोनों में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है, बट फंडामेंटल साइड दोनों ही काउंटर ठीक लग रहे हैं, तो बड़े करेक्शन के बाद आज मुझे लगता है 753 के ड्रॉप पे लेना चाहिए, 749 का स्टॉप लॉस रखिए, टेम्पररी बाउंस रहेगा जो 759-760 का रहेगा कॉपर में। वहीं जिंक के अंदर भी हमने एक अच्छी खासी करेक्शन दे देखी है, 225 से 218 तक का लेवल देख चुका है, 217-18 के बीच में लेके चलिए, 220 से 22 तक के लेवल फिर से हम जंप आते हुए देख पेंगे। ठीक है, तो बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। अजय जी, आखिरी सवाल नेचुरल गैस पे होगा, कल वहाँ पर भी करीब 2% तक की तेजी थी, 2% से ज्यादा की तेजी थी, अभी भी और तेजी के लिए यहाँ पर रणनीति अपना सकते हैं? अब बिल्कुल पूजा जी, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में वेदर का जो अपडेट आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, टेक्निकली भी मार्केट सीवियरली ओवरसोल्ड जोन में था, एंड जनरली सीजनलिटी भी देखे तो मार्च अप्रैल की जो सीजनलिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि आज भी अगर दायरे की बात करें तो 140-141 के करीब मिले लेके चलिए, 36 का स्टॉप लॉस लगाइए, छोटा टारगेट है 146 का, बट मुझे लगता है आज अगर ये 146 के ऊपर निकलता है तो 154 तक के भी लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। ओके, अजय जी थैंक यू सो मच आपका सुबह सुबह समय देने के लिए, और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।